हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अंदर साउथ जोन चार डिवीजन बहादुरपुर पुलिस स्टेशन जूरिस्डिक्शन में कल व्हीकल चेकिंग में बहादुरपुरा पुलिस को एक मारुति वैन सस्पिशियस में आए तो उन ये वैन को पकड़कर चेक करने में ये नोटबंदी का टाइम में जो करेंसी हुआ था ये करेंसी डिमोनेटाइज्ड करेंसी 2 करोड़ 53 लाख वो 1000 नोट्स एंड 500 नोट्स पकड़े गए। ये वैन ये पूरा मनी डिमोनेटाइज्ड मनी सीज करने के बाद उनका रिलेटेड 4 लोग को अरेस्ट कर दिया बहादुरपुरा पुलिस। इसमें अमित बगाड़ी मेन एक्यूज्ड है। ये आदमी कम से कम 30 आदमी का बेंगलोर से कलेक्ट करके वहां एक्सचेंज करने के लिए एक मुरली लाल काटम राज एंड विष्णु बाटी 2 आदमी बेगम बाजार के रहने वाले थे मुरली लाल एंड विष्णु बाटी और शाली बंडा का काटम राजू ब्रोकर। ये तीनों मिलकर उसको 15% देने के लिए बातचीत हुआ। वो लाने के टाइम में बहादुरपुरा पुलिस उनको पकड़कर अरेस्ट करने के बाद वो सीज कर दिया। एक्चुअली आरबीआई ऑफिशियल्स कंसर्न्ड ऑफिशियल्स कांटेक्ट करने में ये मनी डिमोनेटाइज्ड मनी कोई यूज नहीं है। जो लेने के टाइम खत्म हुआ आरबीआई किसी तरफ से ये मनी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई विंडो स्पेशलाइज्ड फॉरनर्स के लिए कुछ अलग लोग के लिए वो भी टाइम खत्म हो गया। इसके लिए स्पेसिफाइड नोट्स एक्ट 2017 भी निकाल दिया सेशन ऑफ लाइबिलिटीज। सो ये मनी कोई यूज नहीं बट लोग कुछ यूथ ये झूठा बातचीत मानने के बाद ऐसा रास्ते में जा रहा है वो अननेसरली केस में फंसा रहा है। तो हम अपील है तमाम लोगों को वो डिमोनेटाइज्ड मनी रफ पेपर्स का सामान है वो चित्तू पेपर्स बोलते हैं उनको कोई 1 पैसा भी वैल्यू नहीं है। किसी तरफ से किसी रूप से आरबीआई ये नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी बट अननेसरली वो लोग वहाँ कलेक्ट करके यहाँ एक्सचेंज करके वहाँ एक्सचेंज करके अननेसरली वो झूठा गेम चीटिंग गेम जा रहे प्ले कर रहे ये करेक्ट नहीं है। अननेसरली केस में इन्वॉल्व हो रहा है। सो ये 4 आदमी को अरेस्ट कर रहा हूँ। तो ये अमाउंट के बारे में ऑलरेडी इनकम टैक्स एंड आरबीआई ऑफिशियल्स को कंसल्ट हुआ। फर्दर एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए उन लोगों को कॉन्टेक्ट में आए तो आरबीआई तो पूरा मना कर रहा है कोई रिलेटेड ताल्लुकत नहीं है बोल रहे। सो इनकम टैक्स कोई इसका रिलेटेड कोई रेस्पॉन्सिबल कोई कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा तो हम उनको कंसल्ट करके उनको हैंडल करेंगे। अभी पूरा इंक्वायरी करने में वो नहीं करा था तो किसी केस में भी होने वाला नहीं था। वो बेंगलुरु में